कि किसी का गुस्सा चलने वाला नहीं। आप विवेक और मर्यादा की भाषा सिखाते हो दुनिया को। अरे शाहजादे जी, जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में बैठे थे और आपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को अपमानित किया, आपने लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को अपमानित किया, आपने कैबिनेट को अपमानित किया सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को ठुकरा दिया, कागज के चीरे कर दिए और उठ करके ऐसे गए जैसे आप जितना हो सके उतना अपमान कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री विदेश में बैठे थे, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री, और आप इस पद की गरिमा नहीं रख पाते। और आज हमारे देश को विवेक, मर्यादा, नम्रता उसके पाठ पढ़ा रहे हो। भाइयों बहनों, ये शाहजादे की भाषा और उनके व्यवहार में आसमान जमीन का अंतर है। ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते भाई, ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, ये चुनाव ये शाहजादे जी का अहंकार है एक तरह। भाइयों बहनों, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, मेरे पिताजी चाय बेचते थे। वे सोने का चम्मच लेकर के बड़े हुए हैं, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते बेचते बड़ा हुआ। भाई बहनों, वो नामदार है, मैं एक कामदार हूं। भाई बहनों, आपने शासकों को 60 साल दिए हैं, एक सेवक को 60 महीने दीजिए मेरे भाइयों बहनों। और आज दिल्ली को मजबूत सरकार की जरूरत है, दिल्ली को मजबूत सरकार की जरूरत है, ताकि दुनिया की कोई ताकत हमें आंख दिखा न सके। हम किसी को आंख दिखाना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया हमें आंख मिलाने के लिए मजबूर हो, इतनी ताकत इस देश में चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं। हरियाणा, पूरा हरियाणा एक प्रकार से मेरा अपना घर है। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। मैंने सालों तक हरियाणा का नमक खाया। हरियाणा के लोगों ने मुझे पाला पोषा है, मुझे बड़ा किया है। भाइयों बहनों, आपका मुझ पर सबसे ज्यादा अधिकार है। और भाइयों बहनों, मैं उस धरती से आया हूं जहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, और आज उस भूमि में आया हूं जहां पर घर घर आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम लेते ही एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा आपके साथ बहुत गहरा नाता है। मेरा हक बनता है आपके पास अपनेपन के अधिकार की बात करने का, क्योंकि आप ही लोग हैं जिन्होंने मुझे बड़ा बनाया है। अगर ये हरियाणा न होता तो मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलता, ये हरियाणा न होता तो मुझे बड़ा बनने का अवसर न मिलता। ये प्यार हरियाणा ने मुझे जो दिया है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। इस प्यार को मैं विकास कर करके ब्याज समेत आपको लौटाना चाहता हूं।
और इसलिए भाइयों बहनों, इस बार भारतीय जनता पार्टी और हजका को, भाई कुलदीप के नेतृत्व में हजका को और भाई रामविलास के नेतृत्व में भाजपा को मैं आपसे अनुरोध करने आया एक बार मेरे भाइयों बहनों आपके सेवक पर आशीर्वाद दे दीजिए। इस बार हरियाणा से दसों की दसों सीटें भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हजका को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाइए, भारत माता की। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी झज्जर में ओपी धनखड़ के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और यहां राहुल गांधी पर उन्होंने जमकर राजनीतिक हमला बोला है। काफी बरसे राहुल गांधी पर कहा कि हमें नम्रता और विवेक का पाठ न पढ़ाएं। वो प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं जब प्रधानमंत्री देश में होते हैं। कैबिनेट के निर्णय को उन्होंने पलटवाया और साथ ही अपनी तुलना राहुल गांधी से की नरेंद्र मोदी ने, ये कहते हुए कि अब तक का समय 60 साल शासकों को दिया है, इस बार सेवक को मौका दो।